दया आती है हिंदू बच्चों पे और दुख भी होता है कि हमारे बच्चे गीता में क्या लिखा है नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बड़े ही नहीं बता सकते तो बच्चे क्या बताएंगे। आपका स्टैंड नहीं है ना, इसीलिए दूसरे आप पर राज कर जाते हैं। आज तक भारत पर राज क्योंकि आपका स्टैंड नहीं रहा। कुछ चंद लोगों ने लड़ाई करी और आपको छुड़वाया। आपको गर्व होना चाहिए कि इस धरती पर शिवाजी पैदा हुए, इस धरती पर वो गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए। 1 से 1.25 लाख लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम का हो। ऐसा किसी धर्म में पैदा हुआ कोई गोविंद सिंह? हमारे धर्म में गर्व होना चाहिए। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम का। गुरु गोविंद सिंह, बाबा गुरु गोविंद सिंह, बाबा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे मुसलमान धर्म स्वीकार कर, नहीं करूंगा कर, नहीं तो चुनवा दिया जाए। मैं चुनना स्वीकार कर रहा हूँ, आप उसकी संतान। निकुंकार सतनाम करता पुरख निरपाल। आप उस संस्कृति में पैदा हुए हो जिस संस्कृति में 8 वर्ष का बालक नाग के फनों पर नृत्य करता है और भगवान माना जाता है, वो संस्कृति आपकी। आप उस संस्कृति में पैदा हुए हो जहाँ पर 5 साल का बच्चा शेर के दांत गिनता है और उसके नाम से भारत पड़ता है। आप उस संस्कृति की पैदाइश, गर्व होना चाहिए। उस घर में पैदा हुए आप। हिंदू होना बुरा कोई है, पर ट्रेंड ऐसा चल गया है शराब पीना बुरा नहीं, सिगरेट फूकना बुरा नहीं, पर हिंदू कहलाना बुरा है। क्या पागल पर? क्या खाना, कितना खाना, कैसे रहना, कैसे बोलना, क्या बोलना, ये हमारी संस्कृति से बढ़कर किसी भी संस्कृति में आज तक नहीं सिखाया जाता। हमारी संस्कृति बहुत गहन है, बहुत कुछ सिखाती है। अपना स्टैंड बनाए रखो, बनाए रखोगे आपको अपने आप पर गर्व होगा। केवल दूसरों को फॉलो करने में बुद्धि लगा दी है, अपने धर्म को छोड़ के मॉडर्न कैसे बना जाए, फैशनेबल कैसे लगा जाए, पर वो जो धर्म का पालन करते वो कैसे किया जाए? जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ना, हमारी स्थिति से हमको कोई नहीं डिगा सकता। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, भोजन फॉलो कर लिया, बर्गर आ गया दाल चावल की जगह पे, ठीक है, कपड़े फॉलो कर लिए, पहले अखे थे अब आधे हो गए, अब तो कोई पूरे कपड़े पहन के जाए वो पागल गिने जाते हैं, ऐसे ऑड लगते हैं, कौन सा प्राणी आ गया। आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखते ना मंदिर से गुजरते ऐसा करते, क्या ये बुरा था? सब धर्मों का आदर करना चाहिए, पर इसका मतलब अंगीकार करना और आदर करना दोनों में फर्क है। क्या अंगीकार करना चाहिए और कितनों का आदर करना चाहिए वो तो हम पर, अपनाने के लिए केवल अपनी चीजें अपनाने के लिए। हमें क्यों हिंदुस्तानी होने में हम क्यों शर्म करते, हिंदी बोलने में शर्म क्यों करते? हम जरूर बोलनी चाहिए इंग्लिश, पर अगर जब तक 4 अक्षर अंग्रेजी के नहीं घुस आए तो हमें ऑड लगता है। Is this the way to सागर? है? उसे हिंदी में पूछना, सागर का रास्ता भाई यही है। सौतन लाते हैं घर में जो पिता, उनको पता होगा बच्चों को कि पराई माँ आने से हालत क्या हो। आप सबको पता होगा अपनी माँ ना हो और पराई माँ की गोद में बच्चे हो तो उसका क्या हाल होता है, आपको पता होगा। हम भी ठीक उसी प्रकार आपसे कहते हैं कि हमारी संस्कृति वो हमारी माँ है, वो हमारा पालन कर सकती है, और हम जब उसका पालन करेंगे और हम मुसीबत में होंगे तो उसको पीड़ा भी होगी, पर पराये धर्म का जब जब हम अनुकरण करेंगे तब तब हम भी दुखी होंगे, अपने बच्चों को भी दुखी करेंगे। अपनी माँ की गोद में रूखी सूखी रोटी खाता हुआ बच्चा भी खुश रहता है, पराई माँ की गोद में व्यंजन खाता हुआ बच्चा भी
भी मार लेता है। ऐसे हमारी संस्कृति हमारी माँ है, उसमें जैसा मिले जो कुछ मिले उसमें हमारा सम्मान है। देन में मिली है तुम्हें भारत की परंपरा, खून में घुली है तुम्हारे संस्कारों की श्रृंखला। ऋषि मुनियों की संतान हो तुम, फिर क्यों इस ज्ञान से अनजान हो तुम? जगा दो अपनी शक्ति को, भुला दो झूठे अभिमान को, तुम अपनी ही पहचान बनो, भारत की तुम शान बनो।